हेलो एक्सपीरियंस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उसके काफ़ी दिनों बाद जो रशिया का जो लूना 25 मिशन है ये लॉन्च हुआ था, लेकिन ये चंद्रयान से पहले पहुंच जाएगा। एंड सो दीज बोथ चंद्रयान 3 एंड लूना 25 दे आर रेसिंग ईच अदर कि पहले कौन पहुँचेगा। मैक्सिमम यही है चांसेस कि 23 अगस्त से पहले चंद्रयान 3 वहाँ पहुँचेगा नहीं। फिलहाल जो चंद्रयान की पोजिशन है वो मून के एकदम ऑर्बिट में है और ये लगभग आने वाले 7 दिनों के अंदर लैंड करेगा। दिस इज द केस, वील सी वाय इन न्यूज। देन व्हाट इज लूना 25 एंड उसके बाद क्यों रशिया का जो ये लेटर जो मिशन आया है ये पहले कैसे इंडिया से वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या पेलोड के डिफरेंसेस है क्या है, और उसके बाद हम इंडिया और रशिया के बीच में स्पेस सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज हुई हैं उनको थोड़ा सा मेजरली देख लेंगे। देन वी विल सी प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज, रिसेंटली रशिया ने अपना पहला मून लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है पिछले 47 ईयर्स में। सो ये उसको एक पहला देश बना देगा जो कि लूनार साउथ पोल पर लैंड करेगा। रशियन मिशन जो लूना 25 है पहला है ये 1976 के बाद से। सो इट इज रेसिंग अगेंस्ट द इंडिया चंद्रयान 3। नाउ व्हाट इज लूना 25? एक सोयूज 2.1V रॉकेट जो है वो लूना 25 क्राफ्ट को लेके जा रहा है और ये वोस्टोजनी कॉस्मोड्रम जो ये जगह है लगभग 5,550 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था और रशिया चीफ स्पेस के हिसाब से इसकी जो लैंडिंग है वो एक्सपेक्टेड है 21 अगस्त को। इंडिया का मिशन जो है वो 23 अगस्त से पहले लैंड नहीं कर सकता जब वहां पे लूना डॉन होगी लैंडिंग साइट पे, जब एकदम वहां सूरज निकलने वाला होगा। तो दिस इज द केस। लूना 25 रफली इसका जो साइज है वो छोटी एक गाड़ी अपमारुति 800 का साइज लगभग उसमें समझ सकते हैं और इसका एम है ये लगभग 1 साल तक चलेगा जबकि चंद्रयान इतना नहीं चलेगा। तो क्यों ये इससे पहले पहुंच जाएगा? लूना 25 जो है ये सोयूज रॉकेट से लगभग 1 महीने बाद लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 के, जो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। हाउएवर इसने इतने ही दिनों में 3.84 लाख किलोमीटर की जर्नी हासिल कर ली है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक ज्यादा डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी इसने फॉलो की मून की तरफ और एक लाइटर पेलोड है, ज्यादा फ्यूल स्टोरेज है। हम अभी उसकी ट्रैजेक्टरी भी देख लेते हैं। जो लिफ्ट ऑफ मास है वो केवल 1,750 केजी है लूना का और जो चंद्रयान 3 का लिफ्ट ऑफ मास है वो 3,900 केजी है और लोअर फ्यूल रिजर्व्स हैं जो LMV-3 व्हीकल है उसके पास जो इंडिया ने लॉन्च किया था। तो एक मोर सर्कुलस रूट हमें लेना पड़ा था इसीलिए क्योंकि लो फ्यूल रिजर्व था। अब लॉन्च होने के बाद अर्थ के बाद से ये जो ऑर्बिट, ये स्पेसक्राफ्ट का जो ऑर्बिट है इसको इंक्रीज किया गया एंड ताकि इसने वेलोसिटी गेन किया अराउंड द अर्थ। नाउ उसके बाद इसको स्लिंग शॉट की तरह मून की तरफ भेजा गया था और ये लगभग लगभग 22 दिनों के बाद ये मून के ऑर्बिट में पहुंच गया। सो दूसरा जो रीजन है कि लूना 25 वहां कुछ ही दिनों में लैंड कर लेगा क्योंकि जो लूना डॉन है वो उसकी लैंडिंग साइट पर जल्दी हो जाएगी। अब लूना डॉन क्या है? तो एक लूना डे अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है। अब पेलोड्स को क्योंकि सोलर पैनल से पावर हो रहे हैं तो वो एक्चुअली लैंडिंग साइट पर अगर लूना डे से पहले पहुंच जाते हैं तो ये एंश्योर करेगा कि आने वाले जो बाकी जो 14 डेज हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थ वो एक्सपेरिमेंट्स हम उसमें कर सकते हैं क्योंकि ये सोलर पैनल से ही रेगुलेट होता है। अब चंद्रयान 3 और लूना 25 में क्या डिफरेंस है? तो चंद्रयान 3 ने एक ज़्यादा सर्कुलस रूट लिया क्योंकि लो फ्यूल स्टोरेज था तो इसने काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लिए देन हम यहाँ से मून पे गए। यहाँ पे फ्यूल स्टोरेज भी ज़्यादा था सो थ्रस्ट लेते ही इन्होंने एक राउंड के साथ और ये फिर स्लिंग शॉट के साथ सीधा सीधा यहाँ भेजा गया मून पे और यहाँ पे इसने लैंड करने वाला है। सो दिस इज द केस। एक रोवर नहीं है, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लूना 25 के पास एक रोवर नहीं है। जो एक रोवर इंडिया के पास है जो लगभग 500 मीटर्स तक कैपेबल है चलने के लिए, वो इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्रेटर में वाटर ढूंढने के लिए, तो वो उसमें नहीं है लूना 25 में। सो ये इनके मासेस का डिफरेंस है, ये लैंडिंग साइट का डिफरेंस है एंड ये 14 डेज के लिए ही केवल फंक्शन है जो कि 1 लूना डे एंड 14 डेज ऑन अर्थ एंड इसकी जो फंक्शनल है वो 1 साल के लिए। अब ऐसा क्यों है हम ये भी एक बार देख लेते हैं। अब पेलोड्स में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका लैंडर में रंभा है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी, आयंस की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर डेंसिटी वगैरह नापने के लिए, देन चास्टे है
थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए. देन रोवर है, रोवर बेसिकली एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब का कंपोजिशन देखेगा, केमिकल मिनरल कंपोजिशन देखेगा लूना सर्फेस का, लूना 25 में ये कुछ कुछ चीजें. तो ये इतना डिटेल में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. नाउ डिफरेंस क्या है लूना 25 और चंद्रयान 3 में? लूना 25 जो है ये रशिया 47 ईयर्स बाद जा रहा है, और जो चंद्रयान 3 है इंडिया का ये थर्ड लूनार मिशन है, सेकेंड अटेम्प्ट जो था वो, एंड ये सेकेंड अटेम्प्ट है टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सर्विस. जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हमारा चंद्रयान 2 था. पेलोड का डिफरेंस है, लूना 25 लाइटर है, एक रोवर नहीं है इसमें, और इसका जो फोकस है वो सॉइल कंपोजिशन, डस्ट पार्टिकल्स, और ये सरफेस वाटर को डिटेक्ट करेगा. चंद्रयान 3 में एक रोवर है जो 500 मीटर्स तक कैपेबल है जाने के लिए. उसका एम है लूना सॉइल स्टडी करना, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो वाटर आइस जो है जो शैडो क्रेटर्स में हो सकती है लूनार के साउथ पोल में, वहां वो देखेगा, क्योंकि वो डार्कर रीजन है मून का, वहां लाइट नहीं पहुंचती, तो देर आर मोर चांसेस कि वहां वाटर मिले. नाउ लाइफ स्पेन क्या है? तो लूना 25 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि 1 साल का मिशन है. रीजन ये कि इसमें हीटिंग मैकेनिज्म है जिनको एक सोलर पावर सोर्स की जरूरत नहीं है. अगर चंद्रयान 3 की हम बात करें तो ये केवल एक सिंगल लूना डे या फिर 14 डेज ऑन अर्थ के लिए ही ये बना है, क्योंकि इसमें जो हीटिंग मैकेनिज्म है वो नहीं है, और ये बिना सोलर पावर के चल नहीं पाएगा. ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का? रशियन लैंडर में 8 पेलोड हैं, और इनको सॉइल कंपोजिशन, डस्ट पार्टिकल्स, पोलर एग्जोस्फियर में ये उसको स्टडी करेंगे. मोर इंपॉर्टेंटली ये सरफेस वाटर डिटेक्ट करेंगे. इंडिया का मिशन है, इसमें भी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूना सॉइल को स्टडी करेंगे, एज वेल एज वाटर आइस, वाटर और आइस के डिटेक्शन करेंगे. लोकेशन साउदर्न पोल की इसीलिए चूज की गई थी क्योंकि वहां क्रेटर्स हैं जो परमानेंट शेडो में रहते हैं, सो ज्यादा वाटर या आइस वहां मिल सकता है. अब इंडिया और रशिया के कैसे कैसे हम देख लेते हैं रिलेशंस रहे हैं पास्ट स्पेस एक्टिविटीज में. तो इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, ये लॉन्च करी थी सोवियत यूनियन से, एंड इट वाज इन 1975. केवल एक इंडियन सिटीजन जो स्पेस गए थे, ही वाज राकेश शर्मा. ये सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन और ये सोयूज एक रॉकेट पर गए थे 1984 में. वो एक यूएसएसआर का इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम था. नाउ 2004 में दोनों कंट्रीज ने एक प्रोटोकॉल भी साइन किया था स्पेस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए. इसमें ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट था, और रशियन की जो ग्लोनास सेटेलाइट है उनको इंडियन रॉकेट से लॉन्च करने का था. चंद्रयान 2 जो फेल हो चुका था इनिशियली, ये सपोज था कि वो इंडिया और रशिया उसमें कोलैब करेंगे, लेकिन रशिया ने एक्चुअली उसके लैंडर रोवर को डिजाइन करने से विडियो कर लिया. लेटर ऑन इंडिया ने उसको इंडिपेंडेंटली डेवलप किया, और 4 एस्ट्रोनॉट्स जो इंडिया के पहले क्रूड स्पेस मिशन का पार्ट होंगे, जो होगा गगनयान, ये भी रशियन फैसिलिटीज में ही ट्रेन किए जा रहे हैं. सो दिस इज द केस. नाउ ये एक डिफरेंस है चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच में. जुलाई 14 को ये, 10 अगस्त को हुआ, और ये पहले पहुंच जाएगा वहां. सो ये पहुंचेगा 22 अगस्त को, ये पहुंचेगा 23 अगस्त को. दिस इज द केस, दिस इज द रॉकेट्स डिफरेंस. ये लॉन्चिंग साइट यहाँ यहाँ से हुई है. आप मास में डिफरेंस है काफी. उसके अलावा अगर हम एक चीज देखें तो 19 डेज अर्थ ऑर्बिट में लगे, 5 डेज अर्थ से मून जाने में लगे, और देन मून ऑर्बिट करने में 18 डेज लगे. यही रीजन है इसमें बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं. इसको अर्थ ऑर्बिट में केवल 5 दिन लगे, फिर एक स्लिंगशॉट की तरह इसको भेजा गया मून पे, और फिर वहां से 7 दिन में उसके बाद ये इसकी लैंडिंग है. दिस इज द केस. ये केवल 1 लूनार डे और 14 डेज ऑन अर्थ की इतने दिन चलेगा, एंड दिस इज 1 ईयर. वी हैव डिस्कस द रीजन व्हाई इज इट सो. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंट मून मिशन इज ट्रू? लूना 2 वॉज द फर्स्ट मैन मिशन टू लैंड ऑन द मून. चेंज 3 सक्सेसफुली, दिस इज चंद्रयान 3. ओके, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कलेक्टेड लूना सैंपल्स एंड रिटर्न देम टू अर्थ. अपोलो 11 वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द मून. चंद्रयान 1 डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून. सो दिस इज द क्वेश्चन. यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दे लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट नॉट. नाउ वी हैव अ मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3 एंड लूना 25 इन इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी, और वट वुड बी देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with NLSTIS for your better preparation.